नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई पंचायत समिति की तिलहर और भाताने सीट पर उपचुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी ने फहराया परचम। महाराष्ट्र राज्य भर की विभिन्न जिला परिषद एवं पंचायत समिति में खाली पड़ी सीटों पर कल हुए उपचुनाव अंतर्गत आज जाहिर किए गए परिणामों में वसई पंचायत समिति में बहुजन विकास आघाड़ी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए तिलहर व भाताने दोनों सीट पर जीत हासिल कर एक बार फिर वसई तालुका में अपनी श्रेष्ठता साबित की। भाताने सीट पर बहुजन विकास आघाड़ी के अशोक आत्माराम पाटिल विजय हुए, तो वहीं तिलहर सीट से गीता गुरुनाथ पाटिल ने जीत हासिल करते हुए बहुजन विकास आघाड़ी का परचम लहराया। आज मतगणना के पश्चात जीत की खुशी में सरोबार बहुजन विकास आघाड़ी पदाधिकारी कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के विवाह कॉलेज स्थित कार्यालय पहुंचे और एक दूसरे को बधाइयां देते हुए जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें, आने वाले समय में वसई विरार मनपा के भी नगर सेवक की चुनाव होने हैं। आज मिली इस जीत से बहुजन विकास आघाड़ी का मनोबल अब दुगुना हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर, क्या कहेंगे आज के चुनाव परिणाम को लेकर? लोकप्रतिनिधि के नेतृत्व में ये जिला परिषद पंचायत समिति का निवडणूक का चुनाव हम लोगों ने कैंपेनिंग किया। इसमें बहुजन विकास आघाड़ी के दोनों पंचायत समिति और दिल्लर भतानेगण दोनों को में विजय प्राप्त हुआ और ये हमारे कार्यकर्ता है, इनकी मेहनत की वजह से हमारे दोनों उम्मीदवार अशोक पाटिल और गीता पाटिल दोनों विजयी उम्मीदवार हुए। ये कार्यकर्ता की मेहनत है। सर, ये अभी अप्पा का आशीर्वाद लेना है तो आगे का रणनीति क्या रहेगी? सर, ना अभी आगे आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव है, वो बहुत जरूरी है। अभी पंचायत समिति में सभापति अपना आ जाएगा और कार्यकर्ते में जो उत्साह है और लोगों की जो काम बाकी है, पिछली जो पंचायत समिति अपने साथ में नहीं थी, सत्ता अपने हाथ में नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत से काम अभी पेंडिंग है और सब काम करना बाकी है। सर, निकट भविष्य में वसई विरार नगर पालिका के चुनाव है, तो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे सर आप? ये तो अभी झांकी है और बाकी महानगर पालिका चुनाव बाकी है। थैंक यू सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।